बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय किचन एडी कुकिंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एडी किचन में बनाने जा रहे हैं मेरी स्टाइल माश की दाल। माश की दाल मैंने एक पाव ली थी, इसको मैंने इस तरह भिगो लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट है 2 चम्मच, 3 अदर टमाटर लिए हैं, 3 अदर प्याज लिए हैं, 2 अदर हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने गार्निश के लिए रखा है। ये नमक और हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, इसको हम बॉइलिंग दाल में डालेंगे। और ये तमाम स्पाइसेस हम मसाले में डालेंगे, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ज़ीरा और सूखा धनिया है, इन का मसाला, इन तमाम का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दाल को बॉईल करने के लिए एक बर्तन लेंगे, उस पर हम दाल डालेंगे और साथ में हम इसके डाल देंगे 3 गिलास पानी, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए खुले पानी में। और साथ में हम इसके नमक और हल्दी जो हमने रखी हुई थी ये डाल देंगे और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने 1 कप ऑयल या घी डाला है और उसमें हम प्याज डाल देंगे। हाफ़ प्याज मैंने डाले हैं, हाफ को मैंने बचा लिया है, हाफ़ नहीं थोड़े से बचाए हैं वो बताऊंगी किस लिए। तो यहाँ पर प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना ना गोल्डन करना है, ट्रांसपेरेंट सा हमने प्याज को बनाना है। और इस देखें हमारे प्याज कितनी अच्छी तरह से हो गए हैं ट्रांसपेरेंट से। इसमें हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है और साथ ही हम इसके टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम अच्छी तरह से इस मसाले में मैश करेंगे ताकि ये खड़े हुए नज़र ना आए, मोटे मोटे से ये तमाम मसाले के साथ हो जाए। यहाँ पे देखिए टमाटर भी मैश हो रहे हैं। अब ये तमाम स्पाइसेस जो हमने रखे हुए थे ये भी इसमें डाल देंगे, ताकि ज़ीरा और सूखा धनिया, इसकी तो खुशबू तमाम मसाले में अच्छी तरह से चली जाए। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला किनारों के साथ ना लगे और अच्छी तरह से मसाला हमारा मैश हो जाए। चम्मच की मदद से भी हो जाएगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये सॉफ्ट होके ज़्यादा इजीली हमारा ये मसाला बन जाएगा। तो देखिए मसाला कितना अच्छा सा, खूबसूरत सा हमारा ये मसाला बन रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि मसाला सॉफ्ट होके जल्दी और अच्छे तरीके से मैश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो पानी हमने डाला था वो सोख हो चुका है, देखिए मसाला हमारा कितना अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके साथ ही हम इसमें जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी वो पानी समेत हम डाल देंगे इसमें। और माशाल्लाह से दाल हमारी तकरीबन 90% तक कुक हो चुकी है। अब ये जो पानी ज़रा सा दाल का है, इसको हम सबको मिक्स करके अच्छी तरह, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे वरना ये बहुत सेंसिटिव सी दाल होती है, ये घुल मिल जाएगी। इसको हम कवर करके इसी पानी के साथ इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखें यहाँ पे पानी सारा इसमें सोख हो चुका है। इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखें घी ऊपर आ चुका है, मसाला कितनी अच्छी तरह से हमारा बन चुका है। विलेज स्टाइल हमारी ये दाल तैयार हो चुकी है, तो इसको हम डिश आउट करेंगे। देखें हमने इसको डिश में डाल दिया है, कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। इसको हम गार्निश करेंगे, हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ था इसके ऊपर ये डालेंगे, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये लंबा लंबा सा मैंने अदरक काट के रखा हुआ था, इसको भी डाल देंगे। गार्निश बहुत खूबसूरत तरीके से करेंगे, साथ में हरी मिर्ची हम स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, लंबी लंबी सी काट के रखी थी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें मैंने आज यहाँ पे एक ट्विस्ट भी रखा हुआ है, एक बॉयल अंडा मैंने किया है वो, जो कि दाल को 4 चांद लगा देगा। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत दाल की लुक आ रही है। इसके ऊपर हम गरम मसाला डालेंगे, भुना हुआ ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये सारा डाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत, कितनी मज़े की हमारी ये दाल तैयार हुई है। ये यहाँ पे देखें मैंने साथ सैलड भी तैयार, माश की दाल हो और सैलड और साथ में चटनी ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं आता। तो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन है। आप भी इसी तरह से इस दाल को बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी दाल माश की, मेरी स्टाइल ये दाल माश कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक ज़रूर देखा करें, इसी तरह तमाम आपको ट्रिक्स का पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।